आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस क्याल को लेकर के है और ओपन ऑफिस क्याल को हम क्या सीखेंगे आइए आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ओपन ऑफिस क्याल को ओपन जनरल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट है, सब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और फिर यहाँ पर इसका टोटल भी मैंने किया है तो ये टोटल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम हेडर कॉपी कर लें। ठीक है, तो ये मैंने हेडर उठाया और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाला हेडर कंट्रोल सी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंट्रोल बी कर दिया तो ये पेस्ट हो गया, इसकी जो विड्थ है इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और फिर ये जो डेटा है ये सारा डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर बॉर्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जाकर के आप बॉर्डर बना सकते हैं, क्लिक कर दीजिए बॉर्डर लग जाए। ठीक है, अब ये पूरा हमारे पास फॉर्मेट आ गया है लेकिन हमको पूरा डेटा एक ही बार में चाहिए। कैसे एक ही बार में पूरा डेटा हमको करेंगे समझते हैं। सबसे पहले कर्सर को आप रख लीजिए यहाँ पर, रख लिया। अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया वी लुकअप का, वही हमें यूज करना है यहाँ पे और कैसे कैसे यूज होगा आइए समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ पर लगाइए इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू से ही कोई फॉर्मूला शुरू होगा, ये हो गया वी लुकअप कुछ इस तरीके से, तो ये वी लुकअप हमने अप्लाई किया। ठीक है, व्यू लुकअप अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर किसका डेटा चाहिए, किसका डेटा चाहिए वही हमें सेलेक्ट करना है। राइट, सपोज कीजिए कि हमें राम का डेटा चाहिए तो राम को सेलेक्ट करनी है हमने, और राम को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका कॉलम फ्रिज कर देना है तो कॉलम को डॉलर लगा करके फ्रिज कर देते हैं। ठीक है, कॉमा नहीं देना है, कॉमा नहीं देना है, हमें कॉलम लगाना है सेमी कॉलम। ठीक है, सेमी कॉलम लगाने पर ये पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, ये पूरा ही डेटा आपको सेलेक्ट करना है, ये देख सकते हैं ये जो डेटा है नाइट्री कम नाइट्री ज्यादा, तो ये सेलेक्ट करने पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे डेटा को तो यहाँ पर अब आपको डॉलर साइन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए डॉलर, तो इस तरीके से डॉलर लगा लिया, यहाँ पर भी डॉलर अप्लाई कर दीजिए, यानी रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर आपको लगाना है, यहाँ पर भी लगा दीजिए यहाँ पर भी लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका रो और ये हो गया कॉलम। हर जगह आपने डॉलर अप्लाई किया, यहाँ पर सेमी कॉलम लगाएंगे और मैथ का फॉर्मूला यूज करेंगे MATCH मैथ। ठीक है, तो ये मैथ लगा दिया हमने और मैथ लगाने के बाद क्या करना है, मैथ लगाने के बाद यहाँ पर क्या है सर्च क्राइटेरिया, तो हमें क्या सर्च करना है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वन का नंबर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर क्लिक करना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके और आपको पूरा डेटा ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं करना है जैसे कि आप एक्सेल में करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको रो को फ्रिज कर देना है, तो रो को डॉलर लगा करके फ्रिज कर दीजिए, सेमी कॉलम दे दीजिए, कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, ये ओपन ऑफिस है तो कॉमा नहीं लगाना है। आप ऊपर वाला ये पूरा हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको रो और कॉलम दोनों को फिर से फ्रिज करना है, तो यहाँ पर आइए पहले कॉलम फिर रो, इस तरीके से आपको फ्रिज करना है, यहाँ पर भी पहले कॉलम फिर रो दोनों ही को आपको फ्रिज कर देना है। तो इस तरीके से फ्रिज करने के बाद क्या करना है, जैसे फ्रिज करेंगे तो फिर यहाँ लगाना है सेमी कॉलम, सेमी कॉलम लगाने के बाद आपको क्या करना है, सेमी कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे जीरो दे दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए, सेमी कॉलम लगाइए फिर जीरो दे दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए और कर दीजिए एंटर प्रेस। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राम आ चुका है, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ड्रैग करवाना है, ड्रैग करवाते चलिए और ये देखिए कमाल होता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मैं नीचे भी ड्रैग करवा देता हूँ, तो एक ही बार में पूरा डेटा लुकअप हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाला डेटा जो है इसमें टोटल किस किस तरीके से आया हुआ, पहले 235 है, फिर 244 है, फिर 173, फिर 339, 218 है, तो यहाँ पर वही सेम डेटा लुकअप होके आ गया है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा डेटा एक बार में लुकअप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा क्लियर करना है, बाकी आप पूरा डेटा एक बार में लुकअप। बात समझ में आई होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे खूब शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।